अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमद सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हूं और जेम थेरेपिस्ट भी। तो एज ए स्पिरिचुअल कंसल्टेंट, सबसे पहले आपको एक बड़ी न्यूज़ जो है वो देने लगा हूँ। खैर, आपके लिए शायद बड़ी ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। रबी अव्वल के महीने का मुबारक जो है वो आगाज़ होने जा रहा है इसी हफ्ते में, और ये महीना दुरूद सलाम का हदिया पेश करने के लिए आइडियल टाइम है। परवरदिगार ने अपने रहमतों के दरवाज़े आपके लिए खोले हैं। इन रहमतों और बरकतों को दोनों हाथों से समेटने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम जो है वो बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद में हदिया कीजिए, परवरदिगार कबूल फरमाए। और जो अभी मैं आपके साथ मालूमात शेयर करने लगा हूँ, इसके अलावा इंशाल्लाह रबीउल अव्वल की मुनासबत से एक वीडियो आपके लिए ख़ास तोहफ़ा बड़ी जल्द जो है वो पेश करूँगा। और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार करे आप उससे बेहतरीन तरीके से मुस्तफीद हो सकें। चैनल की जो अपडेटेशन आ रही है, जो नोटिफिकेशन आ रही है, उसको फोकस रखिएगा ताकि आप उससे महरूम ना रह जाएं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। अक्सर लोगों के हमने देखा, मेरे पास आज भी एक साहब आए बैठे थे, तो उन्होंने कहा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन नोटिफिकेशन हमें पता नहीं चलता वीडियो कब अपलोड हुई है, तो उनके बेल बटन मैंने पुश कर दिया। मैंने कहा जी लें, अब आपको जो है नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। लियोस, ऐसे तमाम अफराद जो कि 20-21 जुलाई से लेकर 23 अगस्त के दरमियान पैदा होते हैं, ऐसे तमाम अफराद लियो में आते हैं। और आपका जो रूलिंग प्लैनेट है ये सन है। दिन आपसे इतवार मनसूब है, अदद एक है, और जवाहरात में आपके लिए बेहतरीन जो जौहर है वो याकूत आता है। इसके बाद लहसुनिया है, डायमंड है, जरकून है। याकूत एक ऐसा पत्थर है जिसका जिक्र कलाम पाक में भी है, और बड़ी जगह पे ये चीज़ें जो है उसका इजहार हुआ कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी ये जवाहरात जो है वो इस्तेमाल किए, उनमें याकूत भी एक आता है। और जेमस्टोन्स के हवाले से आपको बताता चलूँ, रबीउल अव्वल की मुनासबत से इंशाल्लाह यकम रबीउल अव्वल से हम अनाउंस कर रहे हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट javagems.com पे आपके लिए सेल है, स्पेशल डिस्काउंट है। तमाम आइटम्स पे सिलेक्टेड नहीं, तमाम आइटम्स पे फ्लैट हम दे रहे हैं। पहले भी हमने दिया था, बहुत सारे लोग मुस्तफीद हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाद में क्लेम किया जी वो हम उस वक्त रह गए। तो आपके लिए मौका है, इस मौके को ज़ाया मत कीजिएगा। जो भी आप लेना चाहें, परवरदिगार ने जो मुझे अता किया है उसके उसमें से कुछ पार्ट आपके लिए, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करने लगा हूँ। इसी तरह आपको भी जहाँ मौका मिले, जैसे हमारे बड़ा अजीब सा एक ट्रेंड है कि रमज़ान मुबारक में हमारे पास चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं, जबकि अब दूसरे ममालिक में जब उनके मजहबी त्यौहार आते हैं तो चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं। इसी तरीके से आप हम वहाँ पे कोई भी जो है प्राइस चेंज नहीं कर रहे, जो प्राइसेस ऑलरेडी लगी हुई हैं उन्हीं के ऊपर आपको फ्लैट जो है हम ऑफ़र करेंगे, और आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसकी प्राइस को डिटेक्ट करके आपको उस ऑफ के साथ जो है वो घर बैठे आप अपनी पसंद की चीज़ें हासिल कर सकेंगे। तो इस वक्त मैं लियोस वालों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि आपका यह हफ्ता जो कि 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवम्बर तक है, ये कैसा गुजरेगा। आपके अपना रूलिंग प्लैनेट सन इस वक्त जायचे के चौथे आ चुका, अहम तरीन घर है, और यहाँ पे आके यह अब आपको जो इसकी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई। 23 अक्टूबर तक इसकी नेगेटिविटी थी, अब इंशाल्लाह ये अपने अगले घर में चल गया तो आपके लिए माहौल बेहतर होना शुरू हो गया। जेन पे जो एक बोझ था, जो एक नुतियत थी, जो आपकी समाजी तल्लुकात बहन भाई जुकारों के साथ तल्लुकात जो डिस्टर्ब हो रहे थे उसका अब खात्मा हो गया, और आप एक बार फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहाल। और मैं ये कह सकता हूँ कि सोया शेर अब फिर जागने लगा है, और पुरमन रहने की कोशिश कीजिएगा। शेर बादशाहत की अलामत है, खूबसूरती की अलामत है, हकूमत की अलामत है, तो इसी तरह आप में भी ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। जब तक आपको कुछ छेड़े नहीं, आप उतनी देर तक उसको डिस्टर्ब नहीं करते, दोस्तों के आप दोस्त होते हैं। और इस वक्त भी आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल और बाकी चीज़ें बैलेंस हो गई, तो चैरिटी की तरफ आपका जो अब रुझान बनेगा उसको संभाल के बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपके खाना माल बहुत अहम चीज़, आपका खाना माल और आपका 11th हाउस आपकी लक, इससे मुतलका सैयारा अतारत जो कि
31 तारीख को रेट्रोग्रेड हो रहा है, 31 को इसकी रेट्रोग्रेशन होने से आपको पास जो फाइनेंस का बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था उसमें कदरे जो है थोड़ी सी कमी आएगी और अखराजात में तेज़ी रहेगी। इस तरह दोस्त है बाब आपके लिए जो बड़ी बेनिफिट ले रहे थे, ख्वाहिशात की तकमील जो बड़े अच्छे तरीके से हो रही थी, अब उसमें की स्पीड कदरे स्लो हो जाएगी। ये सिलसिला 20 नवंबर तक रहना है, तो आपको बड़ी मोहतात तरीके से इसको जो है वो लेके चलना पड़ेगा। इस हवाले से हर बुध को आप अगर 500 ग्राम मूंग साबत का सदका दे देंगे तो ये बेहतर होगा। इस दौरान किसी भी किस्म के तहरीरी या तकरीरी मुआहदे से गुरेज़ कीजिएगा, चेक वगैरह ख़ास तौर पे लिखने के देने से आपको गुरेज़ करना होगा। आपके समाजी तल्लुकात, बहन भाई यजुकारब से मुतलका सैारा जोरा जो कि वबाल में था, अभी भी वबाल में ही ये तमाम हफ्ते रहते हुए अभी भी मामला को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपके बहन भाई यजुकारब की वजह से घर का माहौल कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि पिछले हफ्ते के आप सन के यहाँ पर आ जाने से आपके वालिद इंटरफेयर करेंगे इसमें, और बड़ी ही अच्छी इंटरफेयर करने से उनके मामला इंशाल्लाह सेटल्ड होंगे। आपके बच्चे, आपकी औलाद, आपकी एंगेजमेंट और आपकी एजुकेशन स्केल 12 से 14 के दरमियान की, ये बहुत अच्छी पोजीशन में। इसी तरह आपके लकी ड्रॉज में पार्टिसिपेट करने के मौके भी बहुत ज़्यादा, आपका कोई बड़ा इनाम निकलने के मौके स्टिल चल रहे हैं, और ये हफ्ता भी आपको इस हवाले से भरपूर बेनिफिट देता नज़र आ रहा है। अगर इस हफ़्ते में, क्योंकि इस हफ़्ते में भी हाँ बिल्कुल है, इस हफ़्ते में भी इंशाल्लाह ड्रॉ है, अल्लाह करे आपका कोई बड़ा इनाम जो है वो लग सके। जुपिटर के हवाले से अगर आप इस वक्त अपने हाथ में रूबी के साथ साथ अगर एक येलो सफ़ायर वेयर करें तो भी आपके जो जो चांसेस हैं उसको इन्हेंस कर दिया जाए देगा ये येलो सफ़ायर। और अगर आपके पास जो है वो शर्फ़े मुश्तरी की लॉ मौजूद है तो उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इस वक्त आपके लिए उसका इस्तेमाल बेहतरीन फवायद की अमल होगा। आपके छठे घर, आपकी जॉब, आपकी सेहत, आपके मुलाजमीन, तमाम हफ्ता ये सेक्टर आपका सिक्योर। इसके अलावा आपके शादी अज़वाजी तल्लुकात, यहाँ पे कुछ मिले जुले मामला आपको देखने को मिलेंगे। आपके सातवें घर का हाकिम आपके छठे हैं, तो किसी वक्त आपका शरीक हयात जो है वो आपकी अपोजिशन या इख्तलाफ राय का इजहार जो है वो कर सकता है। बाकी तमाम मामला इंशाल्लाह बेहतरीन। शादी तय पाने के इम्कान भी आपके मौजूद हैं और मंगनी तय पाने के इम्कान भी मौजूद है। इसके अलावा जो एक बात पीछे रह गई, अगर आप औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो परवरदिगार के फजल से आपकी ये ख्वाहिश जो है वो आसन इस हफ्ते में पूरी हो सकती है। आपके शराती अजवाजी तल्लुकात का हाकिम सैरा मुश्तरी, जैसे कि मैंने बताया जायचे के पाँचवें रहते हुए आपकी अपनी सादतों से आपको नवाज रहा है, तो आपको विरासत मामला भी बेहतर तरीके से हल होंगे, बल्कि आपको उसमें कुछ अर्निंग होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा आपके मुश्तरका माली मामला भी बड़ी अच्छी पोजीशन में, और मामला अच्छे, ये सेक्टर आपका तमाम बड़ा कंफर्टेबल आपके लिए इंशाल्लाह रहेगा। आपके समाजी तल्लुकात का एक अहम पार्ट आपके ससुराली जुकार, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जो है वो अभी भी नज़र आ रही है, और ये प्रॉब्लम अभी चलेगी बल्कि अब कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मार्स जो है वो सन के दबाव से निकल चुका है और ये वबाल में है, तो इसका वबाल जो है वो आपके बैरून मुल्क सफ़र और ससुराली वकारों के साथ दोनों को जो है वो मुतासर करेगा। आपके नज़दीकी और दूर दोनों के सफ़र जो है वो मुतासर होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि नज़दीकी सफ़रों में आपको बहुत एहतियात करनी है। सफ़र से पहले सदका 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का ज़रूर दीजिए, और तेज़ रफ्तारी से कतई तौर पे आपको इज्तनाब करना है। आपकी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से तवज्जो जो है वो कम हो रही है, क्योंकि आप कुछ दीनी मामलात आपके जो हैं वो आपके आगे कुछ ज़्यादा जो है वो मंडला रहे हैं और आपकी तवज्जो इस तरफ डाइवर्ट हो रही है। इसके अलावा आपकी ज़ियारत मुकद्दसा और जो सादत उम्रा है उसके लिए अगर आप कोशा हैं तो फिर आपको अभी कुछ देर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, इसके बाद आपके जो है वो मामला खुलेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग रबी अव्वल में जो है वो उम्रा की सादत के लिए जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन लियोज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसकी कोई स्पिरिचुअल रेमेडी करके इस नेगेटिविटी को ब्रेक कीजिए, ताकि आप जो है अपनी जो ये सादत है उसको हासिल कर सके। स्पेशलाइजेशन करने वाले वो अफराद जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, पीएचडी है या और इस लेवल के जो एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें भी अपनी एजुकेशन के मराहल को तय करते हुए प्रॉब्लम होगी। इस हवाले से स्पेशल रेमेडीज़ मौजूद हैं, अगर आप करना चाहें तो नंबर जो है वो डिस्प्ले पर आ रहा होता है, आप रब्ता करके तो अपने लिए स्पेशल रेमेडीज़ जो हैं वो सजेस्ट करवा सकते हैं। आपके कैरियर रोज़गार का सैारा
यही जोरा, जैसे कि मैंने बताया, ये अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो कैरियर रोजगार के हवाले से नए फैसलों से आपको गुरेज करना है। पुराने जो जारी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो मामलात हैं, उसमें भी कुछ डिले आता चला जा रहा है, वो इंशाल्लाह इस हफ्ते के एंड में ख़त्म होगा, जबकि 2 तारीख को जोरा जो है वो आपके जायचे के 5वें चतुर्भुज कॉस में चला जाएगा, तो उनका कदरे खात्मा हो सकेगा। इसके अलावा आपके सीनियर के साथ आपकी जो कुछ इख्तलाफ राय वाली सिचुएशन चल रही है, उसमें भी 2 तारीख के बाद बेहतरी मतवक्का है। आपके वालदैन के साथ आपके तल्लुकात कदरे कशीदा भी हो सकते हैं, क्योंकि 10वें घर का हाकिम भी यही जोरा है, जो कि 4थे बाल ज़्यादा मौजूद है, तो इस मामले को एहतियात के साथ लेके चलिए। वालदैन के हकूक़ के बारे में बहुत बड़े और बड़े सख्त किस्म के अहकाम मौजूद हैं, यकीनन आपकी नज़र से भी वो गुजरे होंगे, तो इनके साथ इख्तलाफात से आपको कतई गुरेज करने, नई इन्वेस्टमेंट किसी भी सेक्टर में करना आपके लिए इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, इसके लिए अगले हफ्ते का इंतखाब करना बेहतर होगा। आपके दोस्त अहबाब आपकी ख्वाहिशात की तकमील, मैंने जैसे बताया मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से ये डिस्टर्ब हो रही है, तो इसको बेहतर होगा कि थोड़ा सा अपने आप को क्रीज के अंदर कीजिए और अपनी ख्वाहिशात को कुछ महदूद करना बेहतर होगा। दोस्तों के इम्तहान में डालना इस वक्त बेहतर नहीं होगा, और अगर आपने कुछ थोड़ा सा उनको प्रेस किया तो वहाँ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं जो आपकी दिल आज़ारी का बायस बन सकती हैं, बेहतर होगा कि इस मामले को थोड़ा साइड पे कर दें। इमिग्रेशन अप्लाई करने वाले अफराद के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कमर दरकब है, जो कि आपके जायचे के 12वें घर का हाकिम है। मून ये इस हफ्ते 28-29 दो दिन जो है वो हबूत में रहेगा, तो बेहतर होगा कि इस हफ्ते में आप ऐसी किसी भी कोशिश से जो है वो बाज रहिए, और आपके जो केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी उसका फैसला भी आपके अगेंस्ट आ सकता है, तो वही कमर दरकब का सदका आप अदा करके अपने इस सेक्टर को भी जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम रहते हुए सवारी या जगह की तब्दीली, किसी और स्टेट में जाना या घर की तब्दीली करना, ये आपके लिए इस हफ्ते मौजू नहीं होगा, तो ये मजमू तौर पर आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी फ्राहम करदा मालूमात की रोशनी में आप इसको अपने लिए मज़ीद बेहतर जो है वो कर सकेंगे। जहाँ पे आपको कुछ एहतियात के लिए जो है वो बताया गया, वहाँ पे एहतियात कर लेने से आप बहुत सारे मसाइल से इंशाल्लाह मुबर्रा रहेंगे, यानी बच सकेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा, और अगर मुमकिन हो तो ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।